पूरी तरह से बल्लेबाज को दिखा के डालते हैं कि नहीं हो तो सेकंडरी पर इस वक्त वाले की है भैया टंट ना कर टंटन पारा आपका तो एक गेंद मेरा ये कहा है बल्लेबाज अभी नहीं पहली गेंद से डॉट आई थी दूसरी गेंद से चौका मिला है बहुत से गेंद पर देखिए अभी गेंद बस हम तो यहाँ पे दो तरफ अपील तो हुई है दो तरफ अपील की दोनों अंपायर एक दूसरे को देख रहे हैं दोनों अंपायर कह रहे हैं कि पहले ग्राउंड को चूम कर गई है ये कहते हुए हमारे ऑफिशियल लेकिन जयंतों का एक्सप्रेशन ये कमाल की शॉट है भैया ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट मेरी बंद है लिफ्ट का क्या जरूरत है क्योंकि ये बल्लेबाज नो ना मेरा खूब बड़ा डाला है खूब खूब आतुन कर दिया मेरा खूब हैदा है सही मैंने कहा मेरा हैदा मेरा कहा चांदो फुटबॉल चली भारी पीछे खिलाड़ी रन नहीं मिलेगा यहाँ पे डॉट पर एक तो मौत का ओवर और कहीं ना कहीं अगर बात करूं जयंतों का ये बल्लेबाजी भी करते हैं गेंदबाजी भी करते हैं इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी एक बार मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं ये कमाल की शॉट है ये बसंत का शॉट है मानो इस गेंद को खदेड़ के निकाला है और पैर बिल्कुल नहीं चला है हैंड आई कोऑर्डिनेशन के सहारे गेंद को सीधा मैदान के बाहर लॉन्च कर दिया है चारों के लिए नाते नाते बन बना लिए थे कि ऑन साइड की तरफ खेला है मिसकनेक्टेड शॉट बल्ले का अंदरूनी किनारा और उसी के चलते यहाँ पर कॉल तो नहीं खेले ही नहीं खेला नहीं दोनों खिलाड़ियों को बिल्कुल भी हिलने का मौका नहीं दिया है जिस तरह से हम सुई में से धागा को पिरोते हैं कुछ उसी प्रकार से ये शॉट है ये बच्चों का शॉट है ये करारा शॉट है ये चाबुक शॉट है भैया जिस तरह से वो कोलकाता और दीघा हाईवे के ऊपर और टोल नाका में टैक्स भरना पड़ता है दीपा लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग देखिए नजरे कहीं और थी गेंद को कहीं और भेजा वहां पर फील्डर ने चिपली दी थ्री पॉइंट रोहित ये कमाल का शॉट है भैया रोहित शर्मा का हम जब भी बात करते हैं ना वो फुल शॉट लगाते हैं लेकिन ये रोहित ये स्ट्रोक स्विंग लगाना पसंद करते हैं इस तरह से मिस्टर केविन पीटरसन स्ट्रोक स्विंग लगाया करते थे कुछ उसी प्रकार से ये स्ट्रोक स्विंग लगाते थे मिल चुका है चौका एक बार जहां आप बल्लेबाज करे तो करे क्या ये शॉट को खेलने से पहले अगर चाहते तो ये चाय पी सकते थे पेपर पढ़ सकते थे फिर मार सकते थे इतना समय था इनके पास तो जहां मर्जी इस गेंद को मार सकते थे लेकिन इन्होंने चूज किया कि अब पीछे की तरफ खेलेंगे भैया कुछ लोग अपने मुंह के साथ कहना पसंद करते हैं कुछ लोग बैट के साथ काम करना पसंद करते हैं वो कहते हैं ना
भैया जवाब देना है तो बैठ के साथ दीजिए। मैदान के बाहर बैठ के बहुत लोग बहुत कुछ कह लेते हैं, लेकिन मैदान के अंदर नहीं जनाब, अब इस तरह से गेंदबाजी कर नहीं सकते। कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने अपने मनसा को पूरी तरह से साफ किया है। दो गेंद चावल नाम साज को दामन भरोसा रखना होगा। जब जब तुमने किया है अपने काबिलियत पे विश्वास, हर बार तुमने रखा है नया इतिहास, तो भरोसा करिए। और 70-70 का नाम एक टैगलाइन है बड़ा प्यारा सा। ये बिंदी गेंद है, इसी के साथ होगी आप ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति। और एक बहुत ही शानदार ओवर तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 18 रन खर्च किए। पहली गेंद में आते आते यहाँ पे हल्ला बोला है। कहते हैं ना अमिताभ बच्चन के मूवी का साइनिंग अमाउंट, अमिताभ बच्चन का मूवी का साइनिंग अमाउंट और आमिर का टैलेंट का अंदाजा कभी नहीं लगा सकते हैं। तो पहली गेंद आते आते ही स्वागत किया है जैसा रेस वैसा घोड़ा, ये अरबी घोड़ा है और ये घोड़ा रेस छोड़ के कभी नहीं भागता है। अरबी घोड़ा की तरह बल्लेबाजी करते हुए चलो अभी भी देखिए चल लागे चो बाहर गेंदबाजी करेंगे ना, बल्लेबाज का नाम भैया आमिर हो या शॉट है। वो कहते हैं ना चाय में भैया इलायची डालो तो चाय का स्वागत बन जाता है, और जब आपकी टीम में आमिर जैसा बल्लेबाज हो ना तो बल्लेबाजी का स्तर बढ़ जाता है। तो बल्लेबाजी नमस्कार करना जरूरी है, क्योंकि अकेले के दम पे इस खिलाड़ी का मेगा खिलाड़ी का